इंडिया बर्लिन में मौजूद है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर देखिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है क्योंकि एक तरफ जंग चल रही है। देखिए पहले हम उत्साह की बात कर लेते हैं। मोदी 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 मोदी। गजब का उत्साह लोगों में है, गजब का उत्साह है। जो प्रवासी भारतीय यहां पर रहते हैं, कहां से आए हैं आप? I'm coming from Frankfurt. मैं फ्रैंकफर्ट से आ रहा हूँ। पीएम मोदी को देख लिया? Yeah, पीएम मोदी को देख लिया and he was very kind. I said I'm from Tamil Nadu. He immediately said वनकम to me. And it was a very nice moment for me personally. आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा है, आपने देखा पीएम मोदी? बिल्कुल देखा, जो है हम सब मिले, जो कम्युनिटी के सारे मेंबर जो है बर्लिन के, और बहुत अच्छा लगा जो है। ठीक है, अब क्योंकि युद्ध भी चल रहा है और सबकी नजरें इस बात पर है कि जो जर्मन चांसलर से मीटिंग होने वाली है, आपको लगता है पीएम मोदी की पहल का असर होगा? तो बेसिकली जो हमारा एसोसिएशन है यहाँ पर, हम लोग जो भी रिफ्यूजी यूक्रेन से आ रहे हैं, हम सबकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो भी चैरिटी हो सकती है हम लोग अपने अपने घरों में उनको रख रहे हैं, जो भी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं उनका हम लोग सभी लोग। पीएम मोदी की भूमिका? पीएम मोदी की भूमिका तो हमेशा शांति के लिए रही है, हम लोग भारत के हमेशा शांति के लिए रही है और हम भी चाहते हैं हमेशा शांति बनी रहे रूस और यूक्रेन के बीच शांति। तो काफी गजब का उत्साह एक बार फिर से। किस तरीके से आप लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया? ये देखिए लोग जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर हैं और शाम को यहाँ पर एक बड़ा कल्चरल इवेंट होने वाला है जिसमें 18,000 प्रवासी भारतीय मौजूद रहेंगे। सबसे अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन में और यूरोप यात्रा पीएम मोदी की है जिसमें हम तीन देशों की बात करें, जर्मनी की बात करें, हम बात करें फ्रांस की, बात करें हम डेनमार्क की, बात करें तीनों नेटो के सदस्य देश हैं। ऐसे में पीएम मोदी की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और देखिए जो 9 मई की तारीख है वो निर्णायक होगी क्योंकि ज़ेलेंस्की अभी हार नहीं मान रहे हैं। ऐसे में क्या रणनीति पुतिन वहां पर बिछा रहे हैं, 9 मई को क्या होने वाला है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अगर पुतिन ने ठान लिया है तो पुतिन को कोई रोक नहीं सकता। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, दुनिया इसकी गवाह बन रही है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने की एक डेडलाइन दी थी और वो डेडलाइन थी 9 मई 2022। मई ये वो तारीख है जब रूस में विक्ट्री डे की परेड निकलती है। पुतिन रूस की सभी सेनाओं की सलामी लेते हैं। बात बहुत